दर्शक बंधु इज्राएल जेतेबेले गाजापटी उपरे आक्रमण कला हमासर सफेई पई सेतेबेले ओआईसी प आरब देश मानकर सतावंटी देशर बैठक होला एवं परे परे तुर्की रूस को एही मामला रे एंट्री नवा पई आवेदन करथिला। अंतरराष्ट्रीय स्तर रे एकथा मध्य तुर्की को पचरा जाउजी कि हमास वा गाजापटी विरोध रे इज्राएल रे जो आक्रमण रहिची एही मामला रे तुर्की केवल रूस को ही ए मामला रे एंट्री नवा पई अनुरोध करथिला अन्य देश को काही कि नुह। एबे निकट रे मध्य एबडी एक खबर मिलिची कि रूस एबे घोषणा करची कि जल्दी जल्दी जदि गाजापट्टी एवं इज्राएल रो आक्रमण बंद न हुए ताहले इज्राएल विरुद्ध रे रूस युद्ध क्षेत्र को लाइब अर्थात युद्ध करिवो। ए खबर चमकई गला भली किंतु एहा पछरे जेउ विदेश नीति रहिची रूस रो कूटनीति रहिची एहा सामना को आसुची एवं तुर्की काही कि रूस को ए मामला रे एंट्री नवा पई कहिची एक कथा मध्य एहार उत्तर समस्तक सामना को चली आसी। तबे सबटु पर कथा इज्राएल तरफ रु जदि दृष्टि को देखा जाए ताहले गाजापटी रे इज्राएल जो आक्रमण करिची एथिरे त हमास उग्रपंथी मारे बा हमास गोष्ठी रॉकेट माड़ करचंती इज्राएल उपरे किंतु मझिरे लेबानन रु मध्य रॉकेट माड़ करा जायथिला इज्राएल उपरे। एबे जणा पड़िची कि सीरिया रो विद्रोही गोष्ठी माने मध्य इज्राएल उपरे आक्रमण करचंती एवं ए तीनोटी अंचल मिसि एबे लगातार इज्राएल को बेकफुट को ठेलिबा पई प्रयास आरंभ कर दीछो। एबे प्रश्न उठुची तीनोटी गोष्ठी सीरिया रो किछि लेबानन रो किछि एवं गाजापटी रु हमास एही मानक सह रूस रो एमिति कोन संपर्क रहिछि जे रूस एबे इज्राएल विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करबा पई बाध्य होछि। किंतु ए कथार स्पष्ट एकदम साक्षात्कार रे इज्राएल मीडिया प्रकाश करछि कि नेतन्याहू जे कि इज्राएल रो प्रधानमंत्री से कहिचंती कि व्लादिमीर पुटिन कर संकर जो कथाबार्ता होईची एथिरे स्पष्ट भाबरे व्लादिमीर पुटिन कहिचंती कि जदि इज्राएल ए घटना को तुरंत समाधान स्तर को न आने ताहाले रूस इज्राएल विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करिवो। एबुति एक घटना पूर्वरु मध्ये होइतिला 2018 सीधासळख पुटिन एभळी इज्राएल को धमक देइथिले किंतु सेभळी कोनोसी युद्धर वातावरण देखा जाइ नथिला। एही घटनार पछरे कौन रही कारण से कथा तो मुझे कहु प्रथम वर्तमान रूस जो डिक्लार कर वार्र जो कारण टी रही हूँ सीरिया को नहीं संप्रति सीरिया रूस एक कलोनी भाव में बेचित होपर उद्देश्य है जितेबले सीरिया को लगातार भाव में ब्रिटेन तरफ एवं अमेरिका तरफ उड़े देवाई योजना होता से रशिया सीरिया सपोर्ट नहीं एठारे निजर सैन्य मुतयन कर निजर मिसाइल डिफेन्स सिस्टम S-300 को मुतयन कर एठारे विभिन्न प्रकार अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी संपन्न अस्त्र मुतयन कर सीरियावासी को रक्षा करथिला रूस। परवर्ती अध्याय रे सीरिया रे थिबा लोक माने भी रूस को गॉडफादर भाव में विवेचना करथिले एवं एपर्यंत करि आसुछन्ति। सीरिया रे रूस रो बड़ बड़ नाभाल बेस एवं मिलिटरी बेस रहिछि एयर बेस मध्य रहिछि एवं एठारे रशिया रो अनेक सैन्य कमांडर स्तरीय सैन्य माने मध्य रहिछन्ति। एबे सीरिया रो आतंक वादी मानू काउंटर करिबा पई इज्राएल गभीर मात्रा रे एठारे बम वर्षा जारी रखी एमिति रे रूस अनुभव करिछि कि इज्राएल रो क्रमागत भाव रे एभली बम वर्षा सेमानकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहिछि बड़ बड़ नाभाल बेस रहिछि बड़ बड़ एयर बेस रहिछि मिलिटरी बेस रहिछि एगुड़िक विपद घेर को चली आसुछन्ति। एगुड़िकर जदि क्षति हुए ताहले रूसिया एठारे जो अनेक अर्थ व्ययरी एही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिछि बा उन्नतिकरण करिछि एहा विपद घेर रे चली आसिबो। एही हिसाब रे इज्राएल को सीरिया दृष्टिकोण रु बाहर को हटेबा पई रूस रो एक भयंकर चेतावनी बोली जना पड़ी। 2018 भी सीरिया उपरे इज्राएल रो क्रमागत आक्रमण रहिथिला एहा परे डोनाल्ड ट्रंप कर जो व्लादिमीर पुटिन को सह संपर्क थिला एवं नित्यानहु को पुटिन सीधासळख फोन करी कहिथिले कि जदि एभली बम वर्षा जारी रखे इज्राएल ताहले रशिया इज्राएल सह युद्ध करिवो। सेतेबेले इज्राएल रशिया को प्रतिश्रुति देइथिला कि सेमाने निर्दिष्ट परिमाण रो आतंकवादी गोष्ठी उपर आक्रमण जारी रखिबे क्रमागत भाबरे बम वर्षा करिबे नाही एवं निर्दिष्ट भाबरे सेमाने इज्राएल रो सुरक्षा पई एही आतंकवादी गोष्ठी को खतम करिबा पई चेष्टा करिबे फळरे एक बड़ युद्ध टळी जाइथिला। संप्रति इज्राएल मध्य एबे फिलिस्तीन को जो लगातार आक्रमण जारी रखिछि लेबानन उपर आक्रमण जारी रखिछि कालक्रमे एहा सीरिया को जदि मुहाई ताहले रूस रो अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर विपद घेर को चली आसिबो।
ଏହି ହିସାବରେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କି ଫିଲିସ୍ତିନ ମାମଲାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଫିଲିସ୍ତିନର ଯଦି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣର ସମାଧାନ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେବେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଏକ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷର ଯଦି ହିସାବ କିତାବକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେରିକା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଚାଲିଛି ଇସ୍ରାଏଲକୁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାଳରେ ପୁତିନ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ରଷିଆ ଆମେରିକାର ବିଶେଷ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ଅବଳରେ ଜୋ ବାଇଡେନ ଲଗାତାର ରୁଷିଆ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଜାଲ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ କୂଟନୈତିକ ବୈଦେଶିକ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଭଳି ସୁପର ପାୱାରର ଚାର୍ଜ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଯଦି ଏମିତି କିଛି କରିବସେ ଏହା ରୁଷକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏହି ହିସାବରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନଜର କରି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହା ବିରାଟ ସୁପର ପାୱାରମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଏକ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ସେମିତି ଟାଣି ହୁଏ। ଭାରତ ସପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଭାରତର କୂଟନୀତି ଏବଂ ବିଦେଶ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ସମାଧାନ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛି ଏହା ହିଁ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜାହିର କରୁଛି କି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ବିଶେଷ ଆଗକୁ ନ ଯାଉ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣର ସମାଧାନ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ହେଉ, ନହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।